मुस्कान बी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। यूपी और पंजाब समेत पांच राज्यों के हालिया विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करने के बाद कांग्रेस का महामंथन जारी है। कांग्रेस कार्य समिति की इस बैठक में इलेक्शन में हार के कारणों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि इसमें मोदी सरकार को घेरने की नई स्ट्रेटेजी पर भी बात हो सकती है। इस बीच कांग्रेस की ओर से उन खबरों का भी खंडन किया गया जिसमें कहा गया था कि गांधी परिवार के सदस्य सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे देंगे। रोचक बात यह है कि सीडब्ल्यूसी की ये मीटिंग ऐसे वक्त में होने जा रही है जब कांग्रेस पंजाब में सत्ता गंवा चुकी है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं उससे पहले चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की आवाज पर शुक्रवार को एक बैठक हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर चर्चा की गई। खबर के मुताबिक जीतई सदस्यों ने राजस्थान कांग्रेस नेता सचिन पायलट को अध्यक्ष पद की कमान देने की मांग की थी। दरअसल फिलहाल अध्यक्ष की कमान सोनिया गांधी संभाल रही हैं, लेकिन वो अंतरिम अध्यक्ष हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से अब तक पार्टी को कोई स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल सका है। सीडब्ल्यूसी की बैठक लगातार जारी है। करारी शिकस्त के बाद मंथन हो रहा है और इस महामंथन में कई अटकलों पर भी विराम कांग्रेस के द्वारा लगा दिया गया है। फिलहाल सबसे बड़ी अटकलें थी कि गांधी परिवार जो है वो सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे सकता है, लेकिन इन अटकलों पर अपूर्ण विराम लगा दिया गया है कि ऐसा कुछ भी फिलहाल नहीं होने वाला है। दूसरी ओर सभी जो राज्य हैं उसमें करारी हार की जो जिम्मेदारी है वो किसके सर जाएगी ये भी देखना अहम होगा, क्योंकि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य था इन पांच राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य चला गया है जो काफ़ी बड़ी बात कांग्रेस के लिए हो सकती है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी लगातार नज़दीक बने हुए हैं। अब देखना होगा कि आज का ये जो बैठक है, ये जो महामंथन है, ये कितना कारगर होता है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आशुतोष जी हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं और इसी के साथ आदित्य त्रिपाठी जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आदित्य जी आपके पास आना चाहूंगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक लगातार जारी है, फिलहाल अटकलें थी कि संगठनात्मक पदों से गांधी परिवार इस्तीफा दे सकता है और अटकलें ये भी थी कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दोनों इस्तीफा दे सकती हैं। फिलहाल इन अटकलों पर विराम है लेकिन मंथन जारी है। ने चलाया था उसका खंडन करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव सुरजेवाला जी ने अपना बयान जारी किया कि ऐसा कोई नहीं है कि गांधी परिवार से कोई इस्तीफा दे रहा है और सीडब्ल्यूसी की बैठक अहम है और वो जारी है निरंतर। जो पांचों राज्यों में चुनाव के बाद कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है उस पर गहन मंथन चल रहा है और इसमें जरूर कुछ नतीजे सामने आएंगे। इसमें ये भी हो सकता है कि जो अगस्त और सितंबर में इलेक्शन होने वाले थे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए, वो हो सकता हो कि प्रीपोन्ड हो जाए, अभी जल्दी करवा दी जाए, हाल फिलहाल 2-3 महीने में हो जाए। ठीक है, जो अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शन थे वो जल्दी हो सकते हैं। आशुतोष जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस को मंथन की जरूरत है ये तमाम राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं और इसी के साथ बार बार ये मांग उठ भी रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी यही मानना है कि अगर कांग्रेस की पांच राज्यों में जो करारी शिकस्त है, पांच राज्यों में एक राज्य ऐसा था पंजाब जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, एक और राज्य कांग्रेस के हाथ से चला गया, क्या इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि नेतृत्व में कमी के लिए मांग पार्टी के सीनियर मेंबर्स काफी अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सोनिया गांधी गांधी परिवार ने उस चीज पे कोई ध्यान नहीं दिया और जब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, पांच राज्य तो लुटा चुके हैं, अभी और लुटाना क्या बाकी है। मैं समझ नहीं पा रहा कि जब कांग्रेस के सीनियर मेंबर्स गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल,
और जितने भी मेंबर्स हैं सब इसकी डिमांड पिछले 2-3 वर्षों से करते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष में बदलाव आना चाहिए, दे शुड बी चेंज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। लेकिन गांधी परिवार इस से इतना जबरदस्त जुड़ के चिपक करके बैठा है कि उससे अलग नहीं होना चाहता। और इससे बड़े अफसोस की क्या बात है कि सबसे पुरानी पार्टी जो 100 वर्ष से ज्यादा पार्टी अपना 5 राज्यों में बिल्कुल अस्तित्व खो बैठी है। अभी और क्या खोना बाकी है जो ये इंतजार कर रहे हैं। जो भी पार्टी की चुनाव होने थे अगस्त सितंबर में, जैसा कि अभी बोल रहे थे मेरे साथी की भी अगस्त में चुनाव होंगे, उनको प्रीपोन किया जा सकता है। चुनाव में क्या करना है, जो फैसला लेने वो आज लीजिए, अभी लीजिए, जिससे कम से कम जो थोड़ी बहुत 2-4% साख बची उसको तो बचा सकें और पार्टी को रिवाइवल कर सकें। और नहीं तो आने वाले टाइम में देखिए पार्टी बिल्कुल अपना अस्तित्व खो बैठेगी और इनको कांग्रेस को जो कार्यालय वो भी खाली कर करके एक साधारण एमपी के फ्लैट में इनको शिफ्ट होना पड़ेगा। बड़ी चिंता का विषय है और इस पर चिंतन मनन करना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल चिंता का विषय है और इस पर चिंतन मनन करना अति आवश्यक है। और ये कांग्रेस के लिए ही देखिए सबसे अहम बात है, अगर कांग्रेस मंथन करती है तो बहुत अच्छी बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी आप कह सकते हैं राजनीतिक पार्टी। हालांकि बीजेपी अभी खुद को बताते हैं लेकिन सबसे पुरानी कांग्रेस है और लगातार कांग्रेस चली भी आ रही है सत्ता में। 70 साल आपने राज किया, इतनी पुरानी पार्टी अगर इस तरीके से खत्म हो जाएगी तो आखिर जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? मंथन, और सबसे पहली बात, अब मंथन हो रहा है, चुनावों से पहले अगर ये मंथन होता तो शायद 5 राज्यों के नतीजे कुछ और होते, फैसले में फर्क आ सकता था। बिल्कुल त्रिपाठी जी, एक डेमोक्रेटिक संगठन है और चुनाव जब भी होते हैं तो संगठन का ही निर्णय, पहले पीसीसी सेलेक्ट होते हैं, फिर एआईसीसी मेंबर सेलेक्ट होते हैं और उन्हीं के वोट के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है। तो अभी जैसे कि आपने देखा प्रदेश, हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए थे, इसलिए संगठन जो बना था पीसीसी सदस्य जो इनका वो हो चुका था, इलेक्शन ने इनका जो इस मेंबरशिप करवानी होती है वो मेंबरशिप पूरी हो चुकी थी लेकिन इलेक्शन के नाते उसको रोक दिया गया। तो जब भी प्रक्रिया पूरी होगी तो इलेक्शन होगा और उसके बाद चयन की प्रक्रिया जारी रहेगी। त्रिपाठी जी, क्या कांग्रेस आजकल इलेक्शन को सीरियस नहीं ले रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम सीरियस नहीं होते तो लग तो ऐसा ही रहा है। अभी आप ये देखिए कि 5 राज्यों में चुनाव थे और उस समय में जो सोनिया गांधी है वो कितनी बीमार थी, लगातार उनकी आप देखिए, क्योंकि ये प्रक्रिया है और अब जब उनकी तबीयत खराब है तो कार्यकारी अंतरिम अध्यक्ष वो हैं तो किसी और को अध्यक्ष बना दिया जाता, चुनाव जब आपको कराने हो करवा लेते। अगर किसी ऐसे हाथ में होते, इतने बड़े बड़े नेता हैं आपके पास और लगातार G23 के नेता तो मांग भी कर रहे हैं, अगर किसी और के हाथ में कमान होते तब भी नतीजे पलट सकते थे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व में इस समय कह सकते हैं कि जान ही नहीं है। देखिए अंतरिम अध्यक्ष है वो और जो भी निर्णय होता है वो केंद्रीय कमेटी लेती है। CWC में भी बात उठी थी, G23 मेंबर जो है उन्होंने ये आवाज उठाई थी, लेकिन जो बहुमत था वो सोनिया जी के पक्ष में था और इलेक्शन हो के और अध्यक्ष चुनने के पक्ष में था, तो वो प्रक्रिया में है। और देखिए जैसे कि लोकतांत्रिक संगठन है, लगातार आपने देखा G23 के जो मेंबर है उनका विरोध जारी रहा, वो अपनी बात रख रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ ना पार्टी से कोई बयान दिया जा रहा है ना वो पार्टी के विरोध जो भी बयान दे रहे हैं उनके बात को सुना जा रहा है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक संगठन है। और निश्चित तौर पर पार्टी आज मंथन हो रहा है तो जरूर जल्द से जल्द फैसला आएगा, आप देखेंगे इसका रिजल्ट कुछ और अच्छा निकल के आएगा। जो आज मीटिंग हो रही है, 5 राज्यों के चुनाव चले गए हैं, अब मीटिंग हो रही है, आशुतोष जी क्या वाकई ये मीटिंग इस समय होनी चाहिए थी? और क्या मेरा सवाल आप बताइएगा गलत है, अगर पहले ये जो मंथन है वो होता तो शायद नतीजे कुछ और होते? दूसरी बात, अगर हाई कमान जो है वो और ज्यादा मजबूत होता, वो अगर जमीनी स्तर पर लड़ता, आप देखिए सीख लेनी चाहिए बीजेपी से, प्रधानमंत्री उत्तराखंड में ले लीजिए, मणिपुर, गोवा, कहां नहीं गए प्रधानमंत्री, और देखिए थकावट कम नहीं हुई है। अब पता है गुजरात में चुनाव है तो सीधे वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन कांग्रेस को भी कोई सक्रियता दिखी ही नहीं ऐसी हाईकमान की। देखिए 70 वर्ष में कांग्रेस पार्टी ने जितना अपना साख थोड़ी बहुत भी बचा के रखी थी वो इन चुनावों में बिल्कुल खत्म कर दिए। इनको प्रधानमंत्री से बहुत कुछ सीखना चाहिए, निरंतर बिना आराम किए। अभी बीजेपी 5 राज्यों के इलेक्शन खत्म हुए, गुजरात में होने जा रहे हैं नवंबर में, जिसकी चुनाव की तैयारी वो आज से ही कर रहे हैं, बिना रुके कर रहे हैं, ठीक है। और ये आप भी जानते हैं कांग्रेस पार्टी में चुनाव की नेता का चुनाव किस तरह से किया जाता है, जब बड़े बड़े शीर्ष
जो पद पे बैठे हुए इसकी कांग्रेस पार्टी के मेंबर कपिल सिब्बल जैसे गुलाम नबी आजाद और अन्य नेता लोग कह रहे हैं कि पार्टी के नेता का बदलाव होना चाहिए, तो ऐसा क्या लगा हुआ कि आप इस पार्टी के अध्यक्ष पद पर चिपक करके बैठ गए, उससे हटना नहीं चाहते? मोह माया परिवारवाद इतना ज्यादा इस पार्टी के विनाश कर रहा है कि आने वाले समय में लोग शायद याद नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी भी थी। हाँ, इसके कार्यकाल को जो इन्होंने 60-65 वर्ष में राज करा भारत पर, जो प्रधानमंत्री हुए विभिन्न कांग्रेस पार्टी के, उनके कार्यकाल को जरूर देखा जाएगा, लेकिन जो अब पार्टी अपने को उठा करके थोड़ी बहुत फाइट तो देती, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती लेकिन 5वें पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने अस्तित्व ही खत्म कर दिया। और ये भी समझने की बात है कि कांग्रेस को पटकनी किसने दी? एक क्षेत्रीय पार्टी ने। क्या कांग्रेस इतनी भी अब सक्रिय नहीं है कि एक क्षेत्रीय पार्टी से जीत सके? जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल, जिस पार्टी का जन्म कल हुआ है 5 साल पहले, दिल्ली से शुरुआत करिए और भारत के इतने इंपॉर्टेंट राज्य में उसने इस मेजोरिटी से जीत हासिल करी, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हम भी सोच रहे थे कि शायद 117 में से 50-55 सीटें ले आएंगे, लेकिन 92 सीट्स लेकर के आना और कल की बनी हुई पार्टी को इतने बहुमत से कांग्रेस पार्टी को पटकी देना, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है और चिंतन मनन करना चाहिए। जो इनकी मीटिंग 3 महीने बाद अगस्त में 6 महीने बाद होनी है, उसको आज करिए, उस पर फैसला आज लीजिए, जिससे 5-6 महीने में कुछ तो पार्टी को आप उद्धार कर सकें। आप चिपके रहेंगे पार्टी में, कहीं किसी राज्य में जाके आपने चुनाव रैली में अपना भाषण नहीं दिया। प्रियंका जी थोड़ा बहुत जितना भी अपने दम पे उन्होंने बहुत मेहनत करी, 403 सीटों में पहली दफा 33 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पे चुनाव के लिए कैंडिडेट्स खड़े करे, लेकिन कोई भी कैंडिडेट विनिंग चेहरा नहीं था जिसके चेहरे पे कोई वोट डाल सके। देखिए, प्रियंका गांधी की मेहनत को उत्तर प्रदेश में हम नहीं नकार सकते, उन्होंने वाकई बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि अकेली नारी हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारे को लेकर के उन्होंने बढ़ाव किया, 40% महिलाओं को टिकटों का आवंटन करा, 40% युवा वर्ग को आवंटन करा और 20% में कॉमन उनको कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को टिकट का दिया। लेकिन क्या इन कैंडिडेट्स में कोई भी ऐसा था जो अकेला अपने दम पर या पार्टी के नाम पर इलेक्शन जीत सकता था? ये सब मिसिंग थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने नकारा, सपा पार्टी ने नकारा, बीएसपी ने नकारा, उनको बुला बुला करके आप टिकट दे रहे हैं और उसका परिणाम आपके सामने है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ के लगभग आबादी है, 15 करोड़ मतदाता हैं और वहां पर आप डबल फिगर में भी नहीं पहुंच पाए, क्षण की बात है। चिंतन मनन करना चाहिए, जो कल करना है वो आज करो और आज करना है सो अब कर। दे शुड थिंक ओवर इट टुडे टुनाइट एंड डिसाइड इट टुमारो हु विल बी द नेक्स्ट लीडर। बिल्कुल त्रिपाठी जी, डिसाइड कर लेना चाहिए। और बैठकों का दौर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, उसके बाद न जाने इंतजार ही करते रहेंगे कब यह खबर आएगी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक है। क्यों सक्रियता क्यों नहीं दिख रही है कांग्रेस में? लेके आपने कहा कि उसके पहले जब यूपी में इलेक्शन चल रहे थे तो गुजरात में राहुल गांधी जी का दौरा था, वो वहां के सारे विधायकों से, सारे पार्टी के लीडर्स से मिल के आए हैं, लेकिन बस ये है कि वो मीडिया कहीं में कहीं चला नहीं, एक दो आप चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात, वो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बीच में गुजरात गए, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बीच में गुजरात जाने की क्या जरूरत है? उत्तर प्रदेश का बात है, आप यही नहीं समझ पा रहे, निर्णय लेने की तो कमी दिख रही है कांग्रेस में, आपको यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हमें करना किस समय क्या है? देखिए, हम यूपी में प्रियंका जी के चेहरे पे लड़े और प्रियंका जी के नेतृत्व में लड़े, ये बात अलग है कि यहाँ पे पोलराइजेशन हो चुका था वोटों का और वोट या तो बीजेपी के पक्ष में था या आगे इसमें लोग समाजवादी पार्टी को वोट किए, उसमें हमको करारी शिकस्त मिली और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह ने आपने देखा होगा प्रियंका जी का बयान आया कि हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और मैं अपना ये धर्म कर्म भूमि है और मेरे पुरखों की जमीन है, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं और मैं यहाँ लड़ाई लड़कर सत्य की जीत के लिए काम करती रहूंगी, तो हम निरंतर संघर्ष करेंगे, हम संगठन में यहाँ बदलाव होने वाला है, जल्दी आप देखने को पाएंगे कि प्रियंका जी फिर निरंतर उत्तर प्रदेश में आपको मौजूद होकर, उत्तर प्रदेश क्या जहाँ भी वो रहेंगी वो संघर्ष करती रहेंगी और संघर्ष के बल पर हम लोग वापस आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले आपकी 7 सीटें थी, 7 से आप 2 पर आ गए, ये भी चिंता का विषय कहीं ना कहीं है। और देखिए, पंजाब तो ऐसा राज्य है जहाँ पर कांग्रेस के अलावा जनता किसी को चाहती ही नहीं थी, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने आपको पटखनी दी। देखिए, आपने देखा होगा कि अंतर कला
पंजाब में जो हमारे हार का कारण बना वो अंतर कलह बना। पार्टी के अंदर कुछ लोग पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त थे जिनको हमारा शीर्ष नेतृत्व नहीं समझ पाया, जो वहां के प्रभारी थे वो नहीं समझ पाए। आपने देखा होगा कि जैसे हमने 4 साल का कार्यकाल रहा अमरिंदर सिंह जी का, अमरिंदर सिंह जी पूरे कार्यकाल में जनता के विरोध में काम करते रहे और उनके खिलाफ बहुत बंपर गुस्सा था और जनता में मैंडेट उनके खिलाफ था। और उसके बाद आपने देखा कि हमने जब चन्नी जी को बनाया 111 दिन की उनकी सरकार थी और उनके निर्णय से जनता बहुत खुश थी, पर उसके बावजूद कुछ पार्टी के लोग थे जो पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त होकर काम कर रहे थे। निश्चित तौर पर अब इस बैठक में वो डिसीजन होगा कि आखिर क्या हार का कारण रहा, क्योंकि हमको बड़ी उम्मीद थी पंजाब से, हमको खुद उम्मीद थी कि पंजाब में हम अच्छा करेंगे, अच्छा प्रदर्शन रहेगा और हमारी वापस पंजाब में सरकार आएगी। पर अगर वहां हम हारे हैं और इतनी बुरी तरीके से हारे हैं जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस पर चर्चा होगी और आज इसीलिए ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, सारे बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है और उसके बाद हर राज्य वाइज हम डिसीजन लेंगे कि क्या करना। त्रिपाठी जी, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में तो वही बात फिर से, निर्णय गलत समय पर लिया गया। जहां आपने 3 महीने पहले 4 महीने पहले चुनावों से हटाया कैप्टन अमरिंदर को, अगर आप 1.5 साल पहले हटाते उन्हें, बदलते, तो शायद उसके बाद भी नतीजे कुछ और होते, नतीजे अच्छे कांग्रेस के लिए हो सकते थे। आशुतोष जी, देखिए ये तो इन्होंने, मैं तिवारी जी की इस बात से सहमत हूँ कि इस बात को इन्होंने माना कि कांग्रेस पार्टी संगठित पार्टी नहीं है, उसमें आपस में इंटरनल फूट चल रही है। मैं कहूंगा अगर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें और उनसे कुछ सीख लें। हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है कि पार्टी का अस्तित्व ना होते हुए उनको उन्होंने पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी का स्टेटस दिया और पार्टी हर जगह बिखरी बिखरी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में क्या देखा और 4 राज्यों में देखा, पंजाब में देखा, पंजाब में तो कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी आती नहीं थी और वहाँ ही अपना अस्तित्व खोते नजर आ रहे हैं। जब इनको पता था कि अमरिंदर सिंह जो ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने दूसरे जो नेता को चुनाव करा, दो जगह से चन्नी जी चुनाव लड़े और दोनों जगह से हार गए। सिद्धू जी चुनाव हार गए। हराने वाला व्यक्ति कौन है? एक स्कूटी पे चलने वाली महिला सिद्धू को हराने के लिए। अमरिंदर सिंह महाराजा पटियाला का अपना टाइटल रखते हैं, हमेशा जीतते आए हैं और जनता के बीच में काफी पॉपुलर रहे हैं। उनको हटा के आपने कल बच्ची को चन्नी को लाकर बैठाया। चन्नी को 111 दिन का कार्यकाल कहते हैं कि बहुत अच्छा कार्यकाल था। अगर 111 दिन का कार्यकाल बहुत अच्छा था तो जनता ने फिर भी क्यों नकारा? पार्टी आती ना आती वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन चन्नी स्वयं खुद इलेक्शन नहीं जीत सके, एक नहीं दो दो जगह से नहीं जीत सके। चिंतन मनन का विषय इस पे, आप जो काल करे सो आज कर और आज करे सो आप, पल में पल होएगी काल करेगा कब, वो वाली बात है कि आप इस पे चिंतन मंथन कर लीजिए और पार्टी में अध्यक्ष के पद का उसमें बदलाव कीजिए अगर आप अस्तित्व में रहना चाहते हैं तो। ठीक है त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में सारे पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होकर एकजुट होकर के दिल से दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी को, उम्मीदवारों को जिताने के लिए। यहाँ पे पार्टी में नवजोत सिद्धू कुछ और कर रहे हैं, चन्नी कुछ और कर रहे हैं, अमरिंदर सिंह और उनको अपनी अलग पार्टी बनाने में मजबूर होना पड़ा, तो ये किसका डिसीजन था? अगर आप ये देख रहे थे 1.5 साल से अमरिंदर सिंह जी और पार्टी के खिलाफ कार्य कर रहे हैं तो आपने 1.5 साल पहले क्यों नहीं फैसला लिया ये इस बात का? आप आखिर तक इसको नहीं समझ पाए कि राजनीति क्या है? नई पार्टी दिल्ली से निकली और पंजाब में जाके मेजोरिटी में आके बैठ गई। आप ये देखिए उस पार्टी का कितना पुराना इतिहास है, आप तो 100 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं और ये जो नई पार्टी आई है तो अभी 5-7 साल का पुराना इतिहास है। यही कारण है, यही तो कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है त्रिपाठी साहब, समझ है ना? आप कब समझिएगा? अगर आप ही नहीं समझे कब समझिए? या तो आप चुनाव लड़ना नहीं, ये तो बड़ी शर्म की बात है। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बड़े बड़े नेता, सरदार पटेल, सब लोगों ने इस पार्टी में बड़ा अपना योगदान दिया और आज अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रही है। ठीक है, शर्म की बात है। मैं लौटूंगा आपके पास त्रिपाठी जी। देखिए बिल्कुल जो भी सुझाव हमको मिल रहा है वो बिल्कुल हम उसको सुन रहे हैं और उसमें विचार भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि विचार नहीं हो रहा है। इसीलिए आज ये मंथन किया जा रहा है। CWC के बैठक के तुरंत बाद CPP की भी बैठक है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी है, उसकी भी बैठक तुरंत है
और निश्चित तौर पे आज आप देखेंगे कि कुछ बड़ा डिसीजन आएगा और जो पार्टी हित में होगा। ये भी समझिए त्रिपाठी साहब, अभी देखिए और आगे भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी कुछ ही समय में चुनाव है, ज्यादा दूर मध्य प्रदेश के चुनाव भी नहीं है, और गुजरात में भी चुनाव है और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। यहाँ का जिक्र कर लें तो देखिए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वहीं की बात करें, कांग्रेस है लेकिन अंतर कलह वहां पर भी खत्म नहीं हो रही है। टीएस सिंहदेव जो है और दूसरी तरफ सीएम जो है उनमें भी कहीं ना कहीं कलह चल रही है। इन त्रुटियों को अगर आप अभी से समझकर सुलझाना शुरू कर दें तो शायद आगे अच्छे काम हो सकेंगे। और दूसरी बात ये, आज भी गांधी परिवार जो है उससे ऊपर उठकर कोई देख ही नहीं रहा है, पूरे कांग्रेस के उसमें पूरे जो कह सकते हैं कि पार्टी में कोई भी नहीं देख रहा है। आज भी आपको गांधी परिवार चाहिए। हम नहीं कहते हैं, हमने माना है, सभी मानते हैं कि गांधी परिवार है तभी कांग्रेस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अंतरिम अध्यक्ष शून्य को बनाए, जरा एक बार निकल कर तो देखिए वहां से बाहर, शायद बहुत अच्छा प्रदर्शन कर ले पार्टी। जब राजीव जी की हत्या हुई थी तो उसके बाद लगातार दूसरे ही अध्यक्ष हुए, तब सोनिया जी ने कमान नहीं संभाली थी। जब तक सोनिया जी ने कमान नहीं संभाली तब तक पार्टी में बहुत विघटन हुआ, बहुत बिखराव हुआ, और उसके बाद सोनिया जी को मजबूरन वो राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन पार्टी को बचाने के लिए उनको आना पड़ा। उनके कमान संभालने के बाद भी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, दो सीटें पंजाब में देख लीजिए आप। नहीं, ये तो आज उनके ज्वाइन करने के बाद आपने देखा, हमने सरकार बनाई थी 2004 में, 2004 से 14 तक हमारी सरकार रही केंद्र में। लेकिन ये बात अवश्य है कि संगठन में कहीं ना कहीं हमने बहुत कमजोर हुए, इसीलिए अब की बार प्रियंका जी ने डिसीजन लिया कि उत्तर प्रदेश में हमको सारी सीटों पर लड़ना है। आज हमने सारी सीटों पर चुनाव लड़ा और आज हमको पता है कि आज हमारा क्या, जनता के बीच कितना वोट हमारा है, कितना हमारा क्या बचा है, क्या जमीन है हमारी। अभी तक तो हम लोग विगत 30 सालों में गठबंधन से लड़ते थे, तो हमारे कई जगह तो नेता ही चुनाव नहीं लड़ते थे, तो आज उसी चीज को समझा जा रहा है और उसी चीज पे वर्क हो रहा। आप सोच सकती हैं कि प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की आज कह सकते हैं कि बचाने के लिए आई हैं आगे, तो उत्तर प्रदेश ही उन्होंने क्यों चुना। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और कांग्रेस अगर कहीं काम कर रही है तो आज उत्तर प्रदेश से वो काम शुरू हो चुका है। हमें खुद ये पता है कि हम बहुत बुरी स्थिति में, बुरे दौर में चल रहे हैं। आपने सुना होगा कि उनका एबीपी चैनल पर जब इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया कि जो कांग्रेस छोड़कर नेता जा रहे हैं आप उनके लिए क्या है, कि अगर वो दोबारा आना चाहेंगे तो आप लेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं प्रभारी हूं तब तक मैं तो नहीं लूंगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतने हार्ड फैसले सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल के माध्यम से अगर पब्लिक की जा रही है शीर्ष नेतृत्व द्वारा, तो जरूर शीर्ष नेतृत्व कुछ रिजिड हुआ है और निश्चित तौर पे एक अच्छा डिसीजन उनका आज सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद आएगा और पार्टी आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए कोई अच्छा डिसीजन आएगा और पार्टी आगे बढ़ेगी, समय की भी कहीं मेरे पास धीरे धीरे होती जा रही है। आशुतोष जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, फिलहाल चलिए ये बात तो मान रहे हैं करारी शिकस्त मिली और इस पर बातचीत करने को भी तैयार हैं त्रिपाठी जी, ये बहुत अच्छी बात है। आशुतोष जी, जी देखिए बातचीत करने से कुछ नहीं मिला, इस चीज का सब उनको पहले से आभास है कि पार्टी में क्या बदलाव चाहिए। उनको अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को, जो भी इसमें डिजर्विंग कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के रूप में, उसको बैठा करके आप उस समय उसको देखिए उसके बदलाव से पार्टी में कितना फर्क आता है ये देखिए। और आज की तारीख में गांधी परिवार को देखते देखते कार्यकर्ता जो है खुद उग चुके हैं कि वो नहीं करना चाहते उनके नेतृत्व में, कि उनके नेतृत्व में वो काम करें। पार्टी में एंटी पार्टी विरोधी ज्यादा कार्यकर्ता है बजाय प्रो पार्टी करने के लिए। प्रियंका जी ने बहुत मेहनत करी, मैं उनकी हिम्मत को दाग देता हूँ कि अकेले 4 राज्यों में उन्होंने भाग दौड़ करके खूब चुनाव में खूब मेहनत करके कोशिश करी कि चुनाव में कुछ जान डाल सके, लेकिन वो सब प्रयास उनके निरर्थक गए, सब व्यर्थ गए। और पार्टी में अगर अध्यक्ष पद पे चुनाव में बदलाव होता है तो निश्चय पार्टी पुनर्जीवित हो सकती है। मैं कोई किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा कि मैं बीजेपी का या कांग्रेस का पक्ष लूँ, एक निष्पक्ष मेरे को जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठाया गया तो मैं अपना मत अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। पार्टी में बदलाव से अवश्य फर्क पड़ेगा और उनको भारतीय जनता पार्टी से सीख लेनी चाहिए कि संगठित होकर के एकजुट होकर के हम पार्टी को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये तो वाजिब सी बात है और परिवार कहती है कांग्रेस खुद को, लेकिन देखिए कोई भी राज्य आप उठाकर देख लीजिए जहां पर इस समय कांग्रेस की सरकार है, हर राज्य में आपको अंतरकलह देखने को मिलेगी। त्रिपाठी साहब, इस अंतरकलह को अगर दूर किया जाए तो शायद कांग्रेस जो है वो एक बार फिर से उभर सकती है, और समय अभी दूर नहीं है। गुजरात में अभी नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखें तो वहां के भी चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। इनकी आप अभी से तैयारी शुरू करिए ना, क्यों कांग्रेस ढीली पड़ गई है, कारण क्या है इसका, समझ नहीं आ रहा।
कांग्रेस बिल्कुल ढीली नहीं पड़ी। आपने देखा कर्नाटका में इलेक्शन, और कर्नाटका में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा गुजरात में भी अभी हमने सारे शीर्ष नेतृत्व जो गुजरात का था, प्रदेश से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। तो कांग्रेस इस बार पूरे मूड में है और हम पूरा इस बार अपने दम पर लड़ने को तैयार हैं और हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा हम चौथे नंबर की पार्टी थे उत्तर प्रदेश में, और उसके बावजूद हम अपने दम पर लड़ने को तैयार हुए, लड़ने का मूड बनाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने रिवाइवल को सोच रही है और समझ रही है, जिसकी हमको जरूरत है वो काम कर रहे हैं। और आगे भी आप अन्य राज्यों में देखेंगे तो अंतर कला को खत्म कर हम सारे नेताओं को साथ बैठाकर और सबकी दिक्कत को सुनकर समझकर और उस हिसाब से काम कर रहे हैं। गुजरात में भी आपने देखा हमने जो अध्यक्ष बनाया है उनके नेतृत्व में आप देख रहे हैं कितना सही काम हो रहा है, और निश्चित तौर पर विधायकों के साथ भी हमने अध्यक्ष को बैठाया, और चाहे वो टिकट का बंटवारा हो चाहे जो प्रभारी हो, सब चीज को लेके काम चल रहा है। और कर्नाटका में भी बहुत तेजी से काम चल रहा है, और आपको ये आने वाले इलेक्शंस में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई में नहीं थे, इसलिए कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा। लेकिन जहां हम सीधी लड़ाई में हैं, आप देखेंगे कि निश्चित तौर पे वहां बीजेपी को पटकनी देने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये भरोसा बहुत अच्छा है खुद पर, और हो सकता है कि इस बार जो विकल्प के तौर पर जनता तलाश रही है एक विकल्प बीजेपी का, क्योंकि देखिए आशुतोष जी बात ये भी हो सकती है कि कोई विकल्प है ही नहीं, जनता फिर से बीजेपी को लेकर आई, कोई विकल्प जनता को दिख ही नहीं रहा है, और ऐसा कोई शख्स हो जो प्रधानमंत्री के मुकाबला कर सके तो जनता शायद विकल्प तलाशे, लेकिन विकल्प है कौन हमारे पास? जनता ने इस समय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार को, योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार को सराहा है। जनता ने सकारात्मक कार्य को देखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कितना अच्छा सुशासन चला, कानून व्यवस्था कितनी अच्छी रही, गरीब लोगों को राशन बांटा गया, लोगों को मकानों का आवंटन किया गया, 45 लाख लोगों को, नए राजमार्गों का निर्माण किया गया, मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया, शौचालय बनाए गए, और गुंडा राज को खत्म करने के लिए काफी प्रयास किया गया है, और भू माफियाओं को खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे, कि धीरे धीरे गरीब लोग अपनी जमीन को वापस प्राप्त कर सकें। ये सारे सकारात्मक कार्य उत्तर प्रदेश में हुए, जनता ने सराहा, और अखिलेश यादव भी बड़ी दमखम से बड़ी मेहनत करके, जो अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, उन्होंने यूपी के चुनाव में काफी मेहनत करी। ठीक है आशुतोष जी, समय की कमी मेरे पास है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन कांग्रेस की फिलहाल बैठक हो रही है, और इसके बाद जिस तरीके से बताया कि सीपीसी की भी बैठक है, इन बैठकों में क्या निर्णय निकलता है और कांग्रेस क्या एक बार फिर से मजबूती के साथ अगले राज्यों में जो चुनाव है उनमें उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।